आप सभी लोगों का नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में वायुसेना की 1965 के युद्ध में जो भूमिका थी वो बताई, उसी क्रम में अब इसके अंतिम पॉइंट पे हम आते हैं, जो है कि हमको इस युद्ध से राजनीतिक और सैनिक शिक्षाएं क्या मिली। देखिए, राजनीतिक सैनिक शिक्षाओं की बात हम अगर करते हैं तो वो लगभग युद्ध से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उसके सीखने के लिए, सोचने के लिए चीज़ सबसे बड़ी यह है कि शायद जो देश प्रेम का जो संचार है जो इस युवा पीढ़ी में होना चाहिए वो नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप और जितने भी और सोशल मीडिया के साइट हैं, उनके क्रम में आज की युवा पीढ़ी अपने घर वालों को ही नहीं पहचान रही है, नए यार दोस्त बनाते चले जा रहे हैं, तो उनसे इतिहास या बाकी चीज़ों की तुलना क्या करी जाए। लेकिन 1965 के युद्ध से बड़ा जो हमको सीख शायद किसी युद्ध में नहीं मिलती, उसका मुख्य कारण क्या है कि इसी युद्ध के कारण भारत की एक प्रधानमंत्री की मृत्यु तक हो गई। अभी अगले पॉइंट में मैं उसका वर्णन करूंगा, मैं आपको क्रम से लेकर चलता हूं। इसकी सबसे बड़ी जो शिक्षा थी वो ये थी कि हम ये भूल रहे थे कि शायद कश्मीर मुद्दा जो है उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर को फिर से ला करके, देखिए 47 में तो ये मुद्दा था ही था, 1 जनवरी 1949 को संकट विराम हुआ था, 65 में आते आते पहले कच्छ फिर जिब्राल्टर के थ्रू पाकिस्तान ने दिखा दिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कश्मीर विवाद जिंदा है और वो इसको भड़काएगा। सत्ता चाहे जिसकी हो, लोकतंत्र रहा हो, जिन्ना साहब रहे हो, अयूब खान रहे हो, सत्ता चाहे जिसकी रहे, लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाएगा और हमेशा मुद्दे को गरमाना चाहेगा, ये बात तो सिद्ध होगी। दूसरा, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी देखिए, सेंटो सियाटो के बीच में जाकर बैठा था, सोवियत संघ और चीन के बगल में था, इसलिए वो यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को लूट रहा है, उनसे दान का पैसा ले, हथियार ले, और उसका प्रयोग कहाँ कर रहा है, भारत के खिलाफ। सेबर जेट हो, स्टार फाइटर हो, पैटर्न टैंक हो, इन सब का प्रयोग उसने कहाँ किया, 65 के युद्ध में। जब कच्छ का विवाद सामने आया था तो इंग्लैंड ने कहा था कि चलिए हम आपकी जो है बातचीत करवाते हैं, मध्यस्थता करवाते हैं, और इंग्लैंड ने मध्यस्थता करवाई और हम तैयार हुए, और अंत में हमको ज़मीन का एक टुकड़ा कच्छ में पाकिस्तान को देना पड़ा। वहीं से देखिए उसका मोराल हाई हो गया। हम ये भूल गए कि जिस तरीके से इंग्लैंड के कहने पर हम यूएनओ में गए कश्मीर मुद्दे को लेकर, वही गलती हम यहाँ पर फिर कर रहे हैं, फिर उसको ला रहे हैं बीच में, क्या हुआ, ज़मीन का टुकड़ा फिर देना पड़ा। अब एक बार देखिए, युद्ध शुरू होने के पहले कच्छ विवाद को लेकर के इंग्लैंड ने तो अपना मध्यस्थता का हाथ दिखा दिया था, तो कम्युनिस्ट फिर कैसे पीछे रहते। कम्युनिस्टों के जो नेता थे सोवियत संघ, उसने भारत का तरफ फिर से हाथ बढ़ाया कि आइए चलते हैं, कहीं आप लोगों की मध्यस्थता कराते हैं। भाई मध्यस्थता कराने की जरूरत क्या है, कुछ दिन आप सामान लेके उनका बैठ जाइए पाकिस्तान का, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेशर में हमारे नेता
जल्दी आते हैं विदेशों के। वही हुआ, शास्त्री जी ताशकंद चले गए और ताशकंद में 23 सितंबर 1965 को उन्होंने एक समझौता कर लिया, जिसमें ये था कि भाई जितने भी युद्धबंदी हैं वापस किए जाएंगे, युद्ध के पहले का जो जीता हुआ क्षेत्र था वो वापस किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, उसमें हुआ ये था कि भारत के पास जो जीता हुआ क्षेत्र था वो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा था, मतलब ये कि लाहौर हमारे कब्जे में आ चुका था। तो क्या पाकिस्तान लाहौर को छोड़ पाता? कभी नहीं छोड़ पाता, पाकिस्तान तो तुरंत तैयार हो गया, आइए साहब चलते हैं, उसका तो लाहौर फंस गया था उसमें। पाकिस्तान ने भारत के जिस एरिए पर कब्जा किया था उससे 3 गुना बड़ा एरिया भारत ने कब्जा किया हुआ था। उस समझौते के कारण क्या हुआ कि भारत को 3 गुना बड़ा एरिया वापस करना पड़ा, क्योंकि कह दिया गया भाई कि युद्ध के पहले कैलात कर दो, जहाँ सेना आए वहाँ वापस ली जाए, युद्धबंदियों को लौटा दो, जीता गया क्षेत्र वापस कर दो, और तो और आपस में ही वार्ता करके इस मामले को सुलटाएंगे, ये इस तरह की जो बातें की गई थी। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इस चीज़ को लेकर के कितना बड़ा जीता हुआ क्षेत्र हम वापस कर रहे हैं, शास्त्री जी खुश नहीं थे, दबाव में थे, और उनकी उसी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं जहर दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक पड़ा, कुछ लोग कहते हैं बीमार थे। सच्चाई क्या है कभी सामने नहीं आती। इस बारे में देखिए एक दो पिक्चरें भी बन चुकी हैं, एक पिक्चर बनी थी ताशकंद फाइल, उसको मैंने बड़े ध्यान से देखा, लेकिन वो लोग भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते। दूध का ग्लास मांगा था, दूध मांगा था, एक नौकर ने उनको अंतिम में देखा था। ये बात सही है कि भारत का प्रधानमंत्री या किसी भी देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके से हालात में दूसरे देश में मृत अवस्था में मिला, ये बहुत संदेहास्पद स्थिति है। उनको इलाज तक नहीं मिल पाया, कुछ ना कुछ दाल में खुला दाल में काला था, और काली दाल दाल में काला क्या था, पूरी दाल ही काली थी साहब। तो सबसे बड़ी राजनीतिक शिक्षा ये थी कि कभी भी युद्ध के बाद इस तरह की चीज़ों की लागत मत पढ़ो, शास्त्री जी ने दिखाई। क्या कारण था उनकी हार्ट अटैक में डेथ हुई, इस कागज़ पर साइन करने के तुरंत बाद ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन भारत का जो दूसरा राजनीतिक नेतृत्व था उसकी मृत्यु का कारण भी कहीं ना कहीं युद्ध था। नेहरू जी मरे थे 62 के सदमे में, 62 वारों के हार के सदमे में, और शास्त्री जी की मृत्यु का कारण भी कहीं ना कहीं ताशकंद समझौता ही था। आगे चलते हैं, कश्मीर की जनता ने देखिए पाकिस्तान का साथ नहीं दिया जब पाकिस्तान ने उनको भड़काने का प्रयास किया, और जिब्राल्टर के समय पाकिस्तान ने सबको बताया, भारतीय सेना को और पुलिस को, कि देखिए ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिस कारण से पाकिस्तान के लोगों को भारत ने पकड़ पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की जब नई नीति आई खालिस्तान और कश्मीर की, तो हालात थोड़े से चेंज होने लगे। देखिए यहाँ तक तो हालात सबको सही चल रहे थे, कश्मीर की जनता ने भारत का साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान की जो केटू नीति आई थी जिसमें आतंकवाद भड़काया गया था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने वहाँ की जनता को एक अलग तरीके से सपोर्ट किया, और फिर कश्मीर की जनता ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये खैर बाद में होता है, वो कभी किसी और क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे इसके क्या कारण थे क्या कारण नहीं थे। दूसरा क्या था कि देखिए हथियार के बल पर पाकिस्तान कूद तो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अच्छे हथियार चलाने वाले लोग भी चाहिए। अच्छे हथियार से जब युद्ध सामने आया, स्टार फाइटर हो, पैटन टैंक हो, तो भारत को भी कहीं ना कहीं इस बात की कमी खली कि हमारे सेना का भी आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के ठिकाने जो पाकिस्तान की सीमा से लगते थे वो इतने मजबूत नहीं थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ पूरा अच्छे हथियारों का, उनके संचार साधनों का,
रडार स्टेशन का बिल्कुल जाल बिछा हुआ था। इसलिए हमको आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेजी से शुरू करनी थी, ये बात समझ में आ गया। भारत ने एयरफोर्स का पूरा प्रयोग किया, निशान युद्ध में पहली बार उन्होंने किया था। और देखिए फिर मैं वही बात कहूँगा कि पाकिस्तान ने जिस गुरिल्ला टेक्नोलॉजी युद्ध को यहाँ पर रखा जिब्राल्टर में, उसका प्रयोग पाकिस्तान फिर करेगा K2 पे, खालिस्तान और कश्मीर में। फिर से वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाएगा, आतंकवाद फैलाएगा और वहाँ की जनता को बरगलाएगा। हमने सब कुछ किया लेकिन हमने एक चीज़ ये भूल गए कि पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है। और इस युद्ध के बाद से पाकिस्तान में आंतरिक उथल पुथल शुरू हो जाएगी। उसका खामियाजा कह लीजिए, या एक तरीके से कह लेते हैं कि इसका जो भारत पर जो प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि इस युद्ध के बाद जब पाकिस्तान में जब उथल पुथल जब शुरू होगी तो पाकिस्तान भारत को तोड़ने के लिए चीन का साथ लेगा, नॉर्थ ईस्ट में अपनी गतिविधियां फैलाएगा और पूरा चिकन नेक को भारत से अलग करने का प्रयास करेगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते 71 का युद्ध होगा और बांग्लादेश की आज़ादी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमको भारत की नौसेना के लिए भी भूमिका तय कर लेना चाहिए था। अब आप देखेंगे कि 71 के युद्ध में हमने सबक लिया, इसीलिए 71 के युद्ध में भारत की नौसेना ने भी अपनी सार्थक भूमिका पेश करी, तो आगे अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात एक और थी कि भारत को देखिए, भारत का एक जो प्रेम है ना, छोटे भाई वाला, पाकिस्तान वाला छोटा भाई है, पड़ोसी है, देखिए इससे उबरना पड़ेगा। अगर वो आपको घाव देने की नीयत रखता है तो आप उसको पुचकारेंगे नहीं, आपको इतना करना पड़ेगा कि कौन सा पाकिस्तान आपके फेवर में है, मजबूत पाकिस्तान या कमजोर पाकिस्तान। और पाकिस्तान की इस व्यवस्था से आपकी कितनी अच्छाई होती है। अगर आप सोचते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, वो हमारे फेवर में है, तो क्या पाकिस्तान इतना अकलमंद देश है कि वो आपके खिलाफ दुश्मनी को नहीं छोड़ेगा? अगर बुद्धिमान होता तो बिल्कुल साथ छोड़ देता, शांति से रहता। लेकिन पाकिस्तान को तो मंजूर नहीं था, क्यों? क्योंकि सब पता है कि जिस दिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान शांति से रहेगा उसका इतिहास क्या होगा। भाई भारत विरोध पे तो उसका जन्म हुआ है, उसको कैसे छोड़ सकता है? एक बात बताइए, क्या इंसान का बच्चा चार पैर पर चल सकता है? नहीं, दो पैर पर चलेगा, क्यों? वो इंसान का बच्चा है। ठीक वही हाल है पाकिस्तान की, उसका विरोध ही पाकिस्तान का भारत विरोध के बल पर हुआ है। अगर वो भारत से दोस्ती कर लेगा तो फिर उसके जन का मतलब क्या रह गया? तो इस चीज को जिस दिन हमारे नेतागण समझ लिए, उस दिन हारा समझ सही हो जाएंगे। जो पाकिस्तान जिस भाषा को सुनना चाहता है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है, उसको उसी में जवाब दीजिए। क्योंकि भारत की जनता ने आपको वोट दिया है, हम पाकिस्तान के स्थायीकरण के लिए और पाकिस्तान की मजबूती के लिए नहीं बैठे हैं, हमें अपना देश देखना है। वो दो टुकड़े में बंटना चाहे, उनकी नीति दो टुकड़े में हो, उनका चार टुकड़े में तोड़ दीजिए। जब तक आप उनको ये डर नहीं बैठाएंगे कि तुम्हारी कोई बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी और हम तुम्हारे बर्बादी के लिए बैठे हैं, तभी उनको समझ में आएगा। क्योंकि जब अपना बचाव करेंगे तब आपके खिलाफ काम करना बंद करेंगे। वरना आप देखिए 47 में एक युद्ध, 62 में एक युद्ध, 65 में एक युद्ध, 71 में एक युद्ध, उसके बाद अनवरत चलने वाला आतंकवाद और नक्सलवाद और उग्रवाद। तो भारत तो 47 से एक युद्ध पूरा झेलता आ रहा है, कभी किसी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ, और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार पाकिस्तान है। तो हमारी जो राजनीतिक और सैनिक शिक्षाएं थी वो यही हैं,
कि हमारा जो पड़ोसी है उस पर हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो। बांग्लादेश का भी यही हालत थी जब तक वो 71 में आज़ाद नहीं हुआ, ईस्टर्न पाकिस्तान की। अभी देखिए कुछ दिन पहले नेपाल ने भी यही कांड किया है, चीन के बल पे लग गए कुदने नक्शे की बात को लेकर के, बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। श्रीलंका भी देखिए कभी कभी चीन की भाषा बोलने लग जाता है। तो हमको अपनी विज़न को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है, इसीलिए जिससे कि युद्ध टलता रहे। हम अपनी मिसाइलें बना के रखते हैं, इसलिए बना कर रखते हैं कि कल को उसका प्रयोग ना करना पड़े। उसका कारण क्या है कि हमको सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि है चलाएंगे, बनाया है मारने के लिए। नहीं बनाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो वो सर पर चढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान की शुरू से नीति यही रही है, भारत के सर पर चढ़ करके नाच करते रहो। इसलिए हमको पाकिस्तान के खिलाफ एक क्लियर कट नीति वहीं पे अपनानी चाहिए थी, और पाकिस्तान को बताना चाहिए था कि साहब देखो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। देखिए कच्छ के बाद बात किया, मध्यस्थता की इंग्लैंड से, जमीन का टुकड़ा चला गया। ताशकंद में किया, शास्त्री जी के रथ में। 71 में हम फिर उनसे बात करेंगे, शिमला समझौता करेंगे। तो 93,000 सैनिक तो वापस कर देंगे, लेकिन पीओके फिर नहीं लेंगे, जबकि दे देते। गिड़गिड़ाते हुए आए थे भुट्टो, नाक रगड़ते हुए, जो चाहते वो करवाते, जो चाहते वो करवाते। दुश्मन को बार बार अभय वरदान नहीं देना चाहिए। इसीलिए यही शिक्षा हमको पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में मिलती है, दुश्मन को अभय वरदान कहीं मत दो। धन्यवाद, थैंक यू।